हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आई होप सारे ठीक होंगे। मैं यानी कि साहिल बाचल आवास्ता लेकर आया बहुत ही रोमांचक सा ब्लॉग और दीना संडे का। आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको अगर बतावेंगे हम। चलो फिलहाल ही भी बता दियो आपको हम कहाँ जाने लग रहे हैं। इसमें अभी क्या लुक है, हम जाएंगे ऋषि मार्कंडेश्वर मंदिर जो कि लोकेटेड शाहबाद हरियाणा में। आपको सारा कुछ हिस्ट्री के बारे में बतावेंगे वहाँ की और थोड़ा सा फन भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वेदर हो या कोई मानसून का बाहर बहुत ही बढ़िया वेदर है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। जान लग रहे आज व्लॉगिंग करन और ये आगे पटी पेंटा वाले कहा मिलने में जाएंगे। चलो भाई ले जा मिलने में, हमारी तो ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी ले रखी है मिलने में जाने वास्ता। आप बाकी आप दिखाओगे थोड़ा। साहिल तन्ने छेड़ तो लिए मोटरसाइकिल, पर इसमें तेल किस तरह पड़ागा? तेल का भी तो सिस्टम चलना पड़ागा। यो न्यू नहीं जाने किया वहां तक। बेटे मम्मा ने पैसे दिए हैं तेरे ते? हां जी दिए हैं। कितने रुपए दिए? 100 रुपीस दिए हैं। मैं अभी दे भी यमराज करा तो है नहीं, यही चले जाएगा। तेल तो पड़ागा इसमें। साथियों प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ से एक अपनी विश लेगा और क्वाइन का सिक्का लेगा ऋषि मार्कंडेश्वर मंदिर में। यहाँ से गिर जा और यहाँ की सारे की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जा और मैं अपनी विश मांग का एक क्वाइन ऋषि मार्कंडेश्वर नदी में गिरने लग रहा है। जिस किसी ने भी मिलागा तो समझो बंदे की विश पूरी हो जा। तो यो प्राचीन रीति रिवाज है यहाँ के, तो मैं करने लग रहा। बटुए बचा के रखना, गहने छुपा के रखना, लेने तुझे स्मार्टफोन लेने आएंगे चोर, गहने छुपा के रखना। यो भी मन ने कर ली गॉड के सामने वर्शिप और इब जा रहे हम मेले की तरफ और आपको दिखाओगे सारा कुछ मेला यहाँ का। और शॉपिंग भी हो सका हमारी ऐसी, नो डाउट। हम मतलब बहुत जेब में रखा कैश है, हम अपनी पूरी ऐश है। अच्छा ठीक है, तो देखा जा रहे हम मेले की तरफ और आपको दिखाओगे सारा कुछ। ए चल मेले नू चली। छोकरी तो मेरे ब्लॉग के चक्कर में फुकरी फुकरियाँ पैसे ना लगवा दिए, ले तो रही है, ले तो लिए तने इतने सामान।
तो मम्मी नू खाली कराएगी आज। अरे बस कर भाई। साथियों, ऋषि मार्कंडेश्वर मंदिर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है जो कि सुनने में आवा, जो माता सरस्वती और मारकंडा यहाँ सी स्वरलोक में जाकर नदी में लीन हो गए थे। और मोस्टली भारत में जितनी भी नदियाँ मारकंडा, ज़्यादातर स्त्री के नाम पर ही रखी गई हैं। बहुत ही चुनिंदा नदियाँ मारकंडे हैं जो कि स्त्री के, सॉरी पुरुष के नाम पर रखे गए हैं, और जिनमें तो एक मारकंडा भी आवा। और इस मंदिर का निर्माण लगभग 19वीं सदी में आया था और नेशनल हाईवे 44 दिल्ली रोड पर। और यहाँ से बताऊँ, प्राचीन समय में जो भी कुछ मांगा जा रहा था, सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुआ थी और सच्चे मन से मानना थे। और यहाँ से एतवार वाले दिन मोस्टली लोग बहुत ही तादाद में आवा और अपने अपनी अपनी विश ले कर आवा यहाँ से, और जो कि उनकी पूरी भी होवा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? साथियों, थम आया तो गए यहाँ से घूमन, थानू बहुत बड़ा फव्वारा दिखाऊंगा जो कि मतलब चंडीगढ़ सेक्टर 17 में फव्वारा चला ना, जो ऊपर पानी वाला क्या कहते हैं इससे फाउंटेन, यो चीज़ दिखाऊंगा थानू, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो रहा अभी फाउंटेन है? चल नहीं रहा है, चलता नहीं है, संजय टाइम चला साथियों, थोड़ी गलती होगी, संजय टाइम आवांगे फिर। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा गुड़िया, तेन झूले दवाऊंगा फिर, कभी मम्मी ने जाकर कह दे अभी हम मम्मू ने कुछ नहीं झूले दवाए हैं, ले का भी है क्या? ले बैठ यहाँ सी, ले झूले। अरे दो तो सही। इस साइड रखा।